नमस्कार। फिलहाल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन ने हिंसक रूप धारण किया है। 2 साल पहले इसी आंदोलन ने महाराष्ट्र के 58 शहरों में शांतिपूर्ण मोर्चे निकाले थे। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक भी पत्थर नहीं फेंका गया, एक भी कार नहीं चलाई गई, पुलिस पर हमला नहीं हुआ, सबको आश्चर्य हुआ था। हरियाणा के जाट आंदोलन की तुलना में या गुजरात के पटेल आंदोलन की तुलना में महाराष्ट्र का यह आंदोलन बिल्कुल ही अनोखा था। सवाल यह उठता है कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक कैसे बन गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी जाती है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। विधानसभा के पिछले सत्र में फडणवीस ने ऐलान किया कि 72,000 सरकारी नौकरियों के लिए वो एप्लीकेशन मंगाएंगे, ये नौकरियां भर दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें से 16% नौकरियां मराठा युवकों के लिए आरक्षित की जाएगी। मराठा आरक्षण का मुद्दा आज हाईकोर्ट में है। इस पृष्ठभूमि पर मराठा आंदोलनकारियों के मन में फडणवीस के ऐलान के बारे में गहरा शक पैदा हुआ। उन्होंने यह सवाल पूछा कि क्या चुनाव के मद्देनजर फडणवीस हमें धोखा दे रहे। इसके बाद ये मराठा आंदोलनकारी रास्ते पर उतर आए। पहले 2 दिन छुटपुट की घटनाओं को छोड़कर यह आंदोलन शांतिपूर्ण था। महाराष्ट्र में आषाढ़ी की वारी चल रही थी। ये वारी महाराष्ट्र की परंपरा का काफी बड़ा हिस्सा है। हर साल मुख्यमंत्री पंढरपुर में जाकर विट्ठल मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन इस साल मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह कार्यक्रम रद्द किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मराठा आंदोलनकारियों ने उनको धमकी दी है और इस वारी में साफ छोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। कानून और सुरक्षा को ख्याल में रखकर वो अपना कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। उन्होंने CID के रिपोर्ट का हवाला दिया, लेकिन इसके लिए कोई भी अहम एविडेंस जनता के सामने नहीं रखा। मुख्यमंत्री के इस आरोप के बाद आंदोलन और भी भड़का। इस आग में तेल छिड़का रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल ने। चंद्रकांत पाटिल ने आंदोलनकारियों पर आरोप लगाया कि वो पेड एक्टिविस्ट है और बोगस है। चंद्रकांत पाटिल ने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ब्राह्मण है इसलिए उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यक्षम है, मराठा आंदोलनकारी उनके खिलाफ आंदोलन न करें। चंद्रकांत पाटिल मुख्यमंत्री की मदद कर रहे थे या फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर लगाकर बैठे थे, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं का एक बड़ा गुट मुख्यमंत्री से नाराज है और मुख्यमंत्री को हटाना चाहता है, ये तो हकीकत है। सरकार के इस नजरिए से आंदोलनकारी और भी नाराज हुए। एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। जगह जगह पर आगजनी होने लगी, पुलिस पर भी हमले होने लगे। समझ में ये नहीं आता कि पिछली बार जिस मुख्यमंत्री ने हमेशा संवाद के लिए एक आह्वान किया था, वो इस बार चुप क्यों थे। 5 दिन तक आंदोलन 5 दिन तक भड़क उठा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन आंदोलनकारियों को चर्चा का कोई निमंत्रण नहीं दिया। 2014 के विधानसभा चुनाव के वक्त देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी ने मराठा समाज को यह आश्वासन दिया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तब आरक्षण का आश्वासन पूरा करेंगे। आज 4 साल पूरे हो गए, लेकिन ये आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। ये सच है कि ये मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वहां भी सरकार खुश जल्दबाजी नहीं दिखा रही। सरकार ने ये मामला OBC कमीशन को सौंपा है। OBC कमीशन में ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल ही धीमी गति से चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि डे टू डे हियरिंग करके ये मामला निपटा जाए, लेकिन सरकार दिन ब दिन बहुत ही देरी कर रही है। पिछले तारीख को कोर्ट ने सरकारी वकील को कहा कि आप सरकार को कहे कि इस मामले में जो भी एविडेंस उनके हाथ में है वो कोर्ट के सामने जल्दी से जल्दी रखे। इससे ये लगता है कि सरकार ये मामला चुनाव तक खींचना चाहती है, और इस देरी से भी मराठा आंदोलन का पेशेंस कम हो गया है। आज आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के लिए विवाद का मुद्दा नहीं है, हर पार्टी ने इस आरक्षण के मुद्दे को समर्थन दिया है। महाराष्ट्र में मराठा समाज 32% है। पिछले 60 साल से ये समाज, इस समाज का एक बड़ा हिस्सा सत्ता में है, लेकिन यह भी सच बात है कि इस समाज का और एक बड़ा हिस्सा गरीब है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। 1902 में छत्रपति शाहू महाराज ने मराठाओं की ही ये हालत जानकर उनको दलितों के साथ आरक्षण दिया था, लेकिन आजादी के बाद ये मामला पिछड़ गया। पिछले 25 सालों में कृषि संकट के कारण मराठा समाज को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। राज्य में आत्महत्या करने वाले बहुतांश किसान इस समाज से हैं। दूसरी ओर ग्लोबलाइजेशन के कारण नौकरियां कम हो रही है, और इसका भी धक्का मराठा समाज के युवकों को पहुंचा है। पिछले 2 सालों से मराठा युवकों का जो गुस्सा हमें रास्ते पर दिख रहा है, इसकी वजह बिल्कुल यही है। लेकिन इस आक्रामक मराठा आंदोलन के कारण राज्य के ओबीसी और दलितों के मन में डर की भावना है। ओबीसी को लग रहा है कि अगर मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है तो क्या अपना कोटा कम होगा। मराठा आंदोलन के पहले दौर में यह भी मांग थी कि एट्रोसिटी एक्ट रद्द किया जाए, अभी तो वो मांग नहीं है, लेकिन दलितों को यह डर लग रहा है कि अगर मराठा इस तरह से आक्रामक होते हैं तो क्या हमारे ऊपर वापस अत्याचार होगा। ओबीसी और दलितों को सुरक्षा देना यह सरकार का प्रथम कर्तव्य है। एक बात साफ है कि इस मराठा आंदोलन से कम्युनल पोलराइजेशन होगा, कास्ट पोलराइजेशन होगा। इसका असर अगले चुनाव पर पड़ेगा। सारी पार्टियां, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, इस पोलराइजेशन का फायदा उठाने में लगी है। 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन राज्य की जनता शांति चाहती है, वो नहीं चाहती कि दंगा फसाद हो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कही थी, वो जाति तोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र आज उनके तत्वज्ञान से बहुत दूर गया है। जाति तोड़ना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या सारी जातियां शांति से रह सकती है या नहीं, ये आज राज्य में बड़ा सवाल है।